মোদী সরকারের 8 বছর পূর্তি উপলক্ষে পশ্চিম বর্ধমান জেলার বিভিন্ন স্থানে কেন্দ্রীয় সরকারের জনমুখী প্রকল্পে মানুষ যে সুবিধা পেয়েছেন তার প্রচার করতে উপস্থিত হয়েছেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী অজয় ভাট। মঙ্গলবার আসানসোলের কোট মোড়ে বিজেপি নেতা কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়ের দলীয় কার্যালয়ে একটি কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন অজয় ভাট। এদিন তিনি দেশের প্রতিরক্ষা নিয়ে সওয়াল করেন, তার পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের জনমুখী প্রকল্পগুলি তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন। एक केस में बयान देने के लिए बुलाया है, हंगामा कर दिया, हमको क्यों बुलाया, देश भर में हालत खराब हो रही होगी। जैसे आपने देखा होगा जगह जगह पर जाके कोई ऐसे कॉज के लिए हो रहा होगा, कोई समाज का काम हो रहा होगा तो उसको पकड़ के ले गए होंगे, ऐसा जैसा लग रहा है, ऐसा दिखाने की कोशिश हो रही है। देश के कोने कोने में आंदोलन कर रहे हैं। अरे भाई पूछताछ करने दो ना, वो तो कोर्ट का प्रोसीजर है। अगर कोई एफआईआर करेगा किसी के खिलाफ, पूछताछ तो होगी होगी, पूछताछ करने में भी आप नहीं करने दे रहे हैं, फिर क्या चाहते हैं आप देश में, कैसी सरकार चाहते हैं? कि ये लोग देश को सुधारने वाले हैं, जिनका इतिहास ये है कि उनके माता पिता दादा जो भी हैं वो प्रधानमंत्री रहे, कोई ऊंचे दर्जे पर रहे, इसलिए आज आप आगे आ रहे हैं। और तो और आप यहाँ पर देखिएगा, लोग आज परेशान क्यों हैं, मोदी हटाओ देश बचाओ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मोदी जी ने बिचौलिए खत्म कर दिए। जो आपकी गैस के कनेक्शन दिए होंगे बेनिफिशरीज को, डायरेक्ट उनके खाते में आएगा, किसान के खाते में डायरेक्ट 6,000 रुपए साल का जाएगा। बैंक में आपने जो जनधन खाते खोले उसमें पैसा जाएगा सीधे। और अगर पहले से क्या था, इसमें बिचौलिया होता था, एक कितना जाना है 6,000, हाँ ठीक है 3,000 मैं अपने जेब में रखता हूँ, 3,000 तुझे देता हूँ, ठेका होता था। मोदी जी ने कहा 1 रुपए भेजूंगा तो 1 रुपए जाना चाहिए खाते के अंदर, बाहर नहीं। मेरे गरीब भाई बहनों को उसका पूरा का पूरा लाभ मिलना चाहिए। अंदर घुसे उनके आतंकवादियों के ठिकाने नेस्त नाबूद करके लौटे। आज देश में शांति है, गरीब से गरीब व्यक्ति, मेरी माताओं बहनों आप घर में इसलिए सो सकते हैं रात को, क्योंकि इस समय भी एक जवान लगा है सीमा पर, जवानों की फौज लगी है और वो कदम ताल कर रहे हैं, जागते रहो वो चल रहे हैं, और तब हम आराम से सो रहे हैं। ये मोदी जी का इंतजाम देखिएगा। आज हमारा रक्षा बजट 9 गुना ज्यादा बढ़ गया है। 2014 से कितनी हमारी सप्लाई हम करते थे विदेशों को, वो आज 9,000 गुना 9 गुना यानी कि कितना हमने बढ़ा दिया है। आज गरीब से गरीब व्यक्ति, आपने देखा अगर कोरोना में वैक्सीन नहीं बनाई होती मर जाता, आज हम बैठ भी नहीं सकते, आपको पकड़ के ले जाते, कैसे कर रहे हो सभा, आपको भी ले जाते, नहीं जा सकते हो। मोदी जी ने कहा चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, चाहे अगड़ा हो चाहे पिछड़ा हो, अनुसूचित जाति हो अनुसूचित जनजाति हो, ओबीसी हो माझी हो, किसी भी जाति का है, वर्ग का है, धर्म का है, वो मेरा है, मेरा भारत का है, उसको बचाना है। আসানসোল থেকে সৌমিত্র গাঙ্গুলির রিপোর্ট, আনন্দবার্তা।